फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 38 लंबाई की चार कली वाली सलवार की कटिंग बताऊंगी। ये पार्ट वन है, इसकी सिलाई कैसे होगी वो पार्ट टू आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, कपड़ा ये कॉटन का कपड़ा है 2 मीटर का। हम कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए, कपड़ा को हम ऐसे करके पहले खोल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है। फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो आप पहले कॉटन पे ही ट्राई कीजिएगा। इसको हमें ऐसे डबल में लेना है। इस तरीके से हमने डबल में इसको रख लिया। तो पहले हमें नीचे पोंछा यानी कि मोहरी बनाना है। तो मोहरी हम कितना इंच का रखेंगे वो देखेंगे। तो मोहरी के लिए हम यहाँ से 2 इंच ले लेंगे। यहाँ और इसको पहले हम सीधा लाइन कर लेंगे। देखिए, पोछा के लिए हमने सीधा लाइन ले लिया। अब यहाँ से हमें 5 इंच का बेल्ट बनानी है। 38 पूरी लंबाई है तो 5 इंच हम माइनस कर देंगे, तो इसको हम 33 इंच कटिंग करेंगे। तो यहाँ से टेप लेंगे और हमें 33 इंच पे मार्क लगाना है। यहाँ देखिए, पहले हमें सीधा लेना है, सीधा करने के बाद हमें मार्क लगाना है। तो मार्क लगाने के लिए हमें यहाँ से बराबर लेना होगा 33, इधर से भी 33 पहले मार्क कर लेंगे, फिर इधर से भी। यहाँ अब इसको हम बराबर करके कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। अब यहां से इसको कट करके हटा लेंगे बीच वाले पार्ट्स को। तो यहाँ हमने बीच वाला पार्ट्स ऐसे कटिंग कर लिया। बीच वाला जो ये है, ये डबल फैब्रिक है। अब हमें बीच में कितना रखना है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ बीच वाला पार्ट्स हमें ऐसे डबल करते हुए 7 इंच हमें रखना है। ऐसे हमारी कली लटकती नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। तो यहाँ पे हमें 7.5 ले लेते हैं यहाँ, फिर इधर से 7.5 यहाँ। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। बीच वाला पार्ट इसी तरह हम कटिंग करते हैं। ये देखिए, तो बीच वाला पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें कली की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये फैब्रिक है, अब कली इससे कटिंग करेंगे। कली कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए, इसको हमें ऐसे डबल लेना है यहाँ। देखिए ऐसे हमने डबल लिया फैब्रिक को। बंद वाला साइड इधर है, खुला वाला साइड उधर है। उसके बाद अब हमें यहाँ से पहले बराबर कर लेना है। तो ये बिल्कुल बराबर है अच्छे से। अब ये देखना है, यहाँ से हमें आसन रखना है, ये यानी कि म्यानी। तो यहाँ से हम यहाँ से लेंगे 8.5, 8.5 पे एक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 33 इंच, जितना हमने कली का लंबाई लिया था बीच वाला पार्ट्स का, उतना ही हमें कली का लेना है। तो यहाँ से हमें 33 इंच लेना है। 33 इंच लेने के बाद बिल्कुल बराबर करते हुए अब यहाँ से हमें इसको ऐसे पकड़ना है और कली कटिंग करना है। तो पहले हम मार्क सही तरीके से ऐसे करके लगा देंगे। ये देखिए, इसी तरह हम कली की मार्किंग लगाते हैं। अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये पार्ट वन है कटिंग की सिलाई की वीडियो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ, अब इधर जो बंद वाला साइड है इसको भी हम खोल देंगे। ये बंद वाला साइड को हमने इसको भी खोल दिया। अब हमें इसी को रखते हुए दूसरे वाली की कटिंग करनी है। ऐसे लेना है और इसी कली को हमें उठा लेना है ऐसे, और इसके ऊपर हमें इस तरीके से डाल देना है। यहाँ देखिए ऐसे ऐसे डालने के बाद
ऐसे अब बिल्कुल बराबर से कटिंग जिसको कर लेना है, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब इधर बंद वाला साइड आ गया है, इधर से बैठा है तो ये आसन के साइड, तो इस बंद वाले को कट कर लेंगे। बेल्ट निकालेंगे, तो इसको हमने कट करके हटा लिया। अब बेल्ट, तो बेल्ट हमें निकालना है 5 इंच, तो ये ले लेते हैं। 5 इंच बेल्ट हमें कंप्लीट चाहिए, तो पहले इसको हमें ऐसे लेना है, ये बिल्कुल बराबर से। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कटिंग कर लेना है, जो एक्स्ट्रा जो रहेगा उसको हमें कटिंग करना है। तो यहाँ से हम इसको लेंगे ऐसे, ये जो एक्स्ट्रा है इसको हमने कटिंग कर दिया। अब इसमें जो बेल्ट में ज्वाइंट होगा वो ये देखिए, कमर हमें 40 रखना है, यहाँ हमें 5 इंच बेल्ट चाहिए, इतना एक्स्ट्रा है, ये है 8 इंच और फोल्ड में चली जाएगी। उसका बेल्ट रखना है हमें 44, इतना हम इसमें जो कम होगा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा हमने बेल्ट में ऐड कर लिया, तो पूरी कटिंग हो गई। अब हम इसमें पोंछा बनाएंगे कैसे, वो मोहरी में लगाने के लिए हम फोम कटिंग करेंगे। आती है पोंछा बनाने के लिए फोम सीट, फोम सीट से हम बनाएंगे, तो इससे हम 1.5 इंच चौड़ा कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, तो 1.5 इंच चौड़ा हम पोंछा बनाने के लिए कटिंग किए हैं, इससे पोंछा बनेगा। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं जितना लगेगा। ये देखिए अब मोहरी बनेगी कैसे, ये तो बेल्ट हो गई, तो मोहरी बनेगी ये बीच वाले में, दोनों इसी में पल्ला है। सिलाई की वीडियो पार्ट 2 जो आएगी उसमें आपको मिल जाएगी। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा होगा वो हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे मोहरी बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा होगा हम कट कर लेंगे। यहाँ से होगी कली की ज्वाइनिंग, तो चलिए इसकी पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गई 4 कली, 2, 3, 4, और ये हो गई 2 पार्ट्स दोनों पैर का। ये हो गया बेल्ट, और ये जो बचा है इसका हम डोरी और पॉकेट वाला अगर बनाते हैं तो हम डोरी और पॉकेट लगाएंगे, तो ये हम पॉकेट वाला ही बनाएंगे, तो हम पॉकेट लगाना भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये सलवार की कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो करना इस वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कॉमेंट। फिर मिलूंगी नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। सिलाई की वीडियो प्लीज़ लिंक जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। बहुत कमेंट्स आती थी मुझे लिंक नहीं मिलती है, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वीडियो के नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन टच कीजिएगा, उसके अंदर लिंक होगी ब्लू कलर की, उसको क्लिक कीजिएगा, आपको इसकी पूरी सिलाई की पूरी वीडियो मिल जाएगी। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।